What is up guys, Abhishek this side after a long time और मेरे साथ हैं विवेक और साथ में है अपने विशाल पन्ना भाई, सॉरी विकास पन्ना भाई, छोटे भाई का नाम ले लिया, चलो वो भी आ गए, शाउट आउट और जो हर बार होते हैं हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस और रेटो आप बाल आ गए लेकिन तो गाइस आज हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें अमित भाई और सैटरडे का दिन है, कल वापिस आएंगे तो अभी सस्पेंस है कि कहाँ लेके जा रहे हैं। वैसे इन्होंने बोला था कि मुझे कि करेरी लेके जा रहे हैं, आज ये बोल रहे हैं भीड़ वीडियो लेके जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ पहुँचाएंगे। नेक्स्ट लेवल ब्लॉगिंग हो रही है बंदे की, देखो विवेक भाई ये अपने ब्लॉगर साहब आ चुके हैं, विवेक भाई ब्लॉग के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कृपया इसे घर पे ना आजमाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें और बच्चों को गाड़ियों से बाजू निकालने के लिए भी मना होता है बार। मुझे मुझे आ चुकी है आपको इतना अंधा कर दिया कि आपको अब अपनी है अपनी बॉडी भी नहीं समझ आ रही है कहाँ बाहर निकालनी कहाँ अंदर करनी है। हमारे पास वो नहीं है चिपकाने वाला, आपके पास चिपकाने वाला क्या होता है वो, क्या होता है चिपकाने वाला कैमरे जो लगते हैं ट्राइपॉड माउंट तो वो होता है जो हेलमेट पे लगता है। भाई मैं अपना नॉलेज बता रहा हूँ और ये भाई को कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। अभी है कुल्फी ब्रेक, कुल्फी खा रहे हैं हम। विवेक भाई बोल रहे हैं कि कुल्फी बहुत ठंडी है ये सजा मिली कुल्फी को ठंडा बोलने के लिए कुल्फी का बदला कुल्फी का बदला इंतकाम लिया कुल्फी ने, ठंडा बोल रहे हैं मेरे को रुक तुझे गर्म करती हूँ देखो भाई जी ओ भाई इट इज रिकॉर्डेड भाई दिल टूट गया है कौन बोलता है दिल टूटने की आवाज नहीं आती यही नहीं होता कि आइसक्रीम पूरी खा दी है वो गिरी नीचे हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, सॉरी मुंह तो आया पर हाथ ना लगा। भाई अभी थोड़ा सा पीछे हैं हम बीड बिलिंग से, बीड बिलिंग जा रहे हैं फाइनली इन्होंने बता दिया और रास्ते में मौसम पहले तो गर्मी थी लेकिन आगे मौसम थोड़ा खराब लग रहा है। गाइस हम जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ का फालूदा जरूर खाते हैं मैं और अमित भाई और आज पाना भाई और अपना विवेक भाई को भी यहाँ का फालूदा टेस्ट करवाएंगे। यो यो और बाकी करते हैं थोड़ी देर बाद भाई जैसा सोचा था एकदम से बारिश पड़ गई, भीड़ पहुँचते और एकदम से हट भी गई ये क्या हुआ ब्रो तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने होस्टल्स में। भाई देखो ये सारे अभी तक अंदर से नहीं आए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, मुझे बारिश में अकेले भेज दिया, अब निकलेंगे भागते हुए आएंगे। ये निकला पहला और ये लगाई दौड़ भाग मिल्खा और ये हिम्मत करी और ये चिड़िया भागी ला 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 और ये और अजीनो शान शान सा हमारा हॉस्टल आज का, हम यहाँ पे स्टे है हमारा क्या नाम बताया जोई, हाय जोई
गाइस ये हमारा टीम कुछ भी आप चाहिए तो नंबर ले लो, मैसेज कर देना क्योंकि मेरा फोन नहीं लगता है यहाँ, बहुत खराब नेटवर्क है। ओके फर्स्ट टाइम आया तो बताइए आप नीचे वाला लेना पसंद करेंगे बेड या ऊपर वाला? अश्लील है ये बेड बोलना चाहिए। कौन से बेड पे लेटना पसंद करेंगे आप? ये तो मैंने बुक कर लिया, मैं हमेशा जोई के साथ रहना पसंद करूंगा। जोई इन जोई आपको मना कर रही है? खतरनाक खतरनाक लोगों से अच्छा मैं जोई के साथ रहना पसंद करूंगा। आइए मैं आपको जोई से मिलाते हैं। देखा था ये भी हैरी भाई ने बनाया हुआ है और बड़ी अच्छी तरीके से हमें ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप भी कभी यहाँ पे आओगे तो हॉस्टल भीड़ में जरूर आए, हैरी भाई से जरूर मिले और हैरी भाई की पेंटिंग्स भी बहुत मस्त है। ऐसे गेम्स हैं यहाँ पे जो जो कर सकते हैं आप, यहाँ वाईफाई का पासवर्ड ही सब कुछ है। गाइस मैंने तो अपना बेड संभाल लिया हमेशा की तरह ऊपर वाला, अम्मी तो भाई ने हमेशा की तरह नीचे वाला, और एक हमारा भाई है ये चढ़ने की कोशिश करेगा अभी। मैं उछल के ऊपर जा, ये चढ़ा नहीं है जिंदगी में कभी। गाइस अभी धूप निकल चुकी है वापस, मौसम का यहाँ कोई पता नहीं लग रहा है और बहुत ही अच्छा वो है। मौसम है बहुत अच्छा, मौसम है और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए और हम दो गबरू नौजवान नल्ले बेरोजगार छपरी खाने की तलाश में चले हुए भाई। अपनी पेट पूजा करके हम अभी निकल रहे हैं वापस और वो दो जन जो वहाँ पे अभी तक सोए हुए हैं इतने आलसी बंदे हैं, खाने के लिए उन्होंने हमसे मंगवाया और ये हमने अपना खाना पीना ख़त्म कर लिया है। और हाँ कभी भी गंदगी ना फैलाएं ऐसी जगह पे आके, जो लोकल फैलाएंगे वो अलग बात है लेकिन हम नहीं फैला सकते। सब अमित भाई हो चुके हैं स्टार्ट अपनी वाइब में और देखिए हमारे यहाँ पे राइवल ब्लॉगर यहाँ पे बन चुकी है पूरी पूरी वाइब और ये टकराव होता हुआ दोबारा दो ब्लॉगर्स का और ये इन्होंने बच्चों वाली हरकत कर दी है यहाँ पे। इन ब्लॉगर को देखिए कितना लंबा चौड़ा ब्लॉगर है ये और बच्चों वाली हरकत करी है इसने। क्या बच्चों वाली हरकत करी? ये निकाल दिया आपने। कैसे निकाला? कैसे? दुआ तुझ पे मेरी जो बेपनाह वो गाइस अभी हम जा रहे हैं सनसेट के नज़ारे लेने, भीड़ में तो ऑलरेडी हम बिलिंग जा रहे हैं तो सनसेट देखने जा रहे हैं, देखते हैं सनसेट मिलता है या बादल मिलते हैं। बादल वैसे है सनसेट, वैसे अभी निकल तो रखा है लेकिन दिखते ऊपर चल के कहीं पहुंचते अंधेरा ना। नहीं ब्रो गाइस एक लंबे सेशन के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल की ओर क्योंकि ये शख्स हमें बुला नहीं रहा है, ये शख्स हमें बिलिंग लेके नहीं गया, कहते कि यहाँ सब कुछ दिख रहा है सुबह सुबह जाएंगे बोला, इस चेली में लेके आ गया ये, इन्होंने बोला सुबह सुबह जाएंगे बिलिंग के लिए, अभी फोक चल रहा है यहाँ पे फोग चल फोग चल रहा है तो उसकी वजह से हम ये क्या था, एक बार दोबारा हो जाए हाँ। अभी हम आए हैं बंकर, यहाँ पे एक रिजॉर्ट टाइप है बंकर इसका नाम है और यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होने वाली 8 बजे, तो अभी यहाँ के लिए आए हैं, अभी हम ही पहुँचे हैं सबसे पहले यहाँ पे। बहुत अच्छा इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, चलो देखते हैं कैसा रहता है माहौल। Goa
आसमां मिला जमीन को मेरी यादें आ रहे पूरे हैं हम जीना जीना कैसे जीना हंसी का मेरे जीना मेरे इस बंदे को देखो ये देखो सभी अपने कंजस्टेड होके बैठे और ये बंदा आराम से सारी जगह घेर के बैठे, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई आ रहा जा रहा, बंदों को बैठने के लिए जगह नहीं। और इस बंदे को देखो गाइस, नारुतो नारुतो शिनोबी, यू गॉट अ शिनोबी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है और अभी सभी उठ गए हैं। अमित भाई भी हमेशा की तरह उठ के अपने बिस्तर पे बैठ गए हैं और ये भाईजान अपने सदमे में है। Is everyone is ready और हम जाने के लिए तैयार हैं। ये जो हमारे भाई साहब है चप्पलें डाल रहे हैं, इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया बाथरूम के अंदर, पता नहीं क्या कर रहे थे लेकिन देखो जो सबसे एंड में आता है वो सबसे लेट होता है, ठीक है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे और सीधा निकलेंगे बिलिंग के, और चलो चलते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है आज गर्म नहीं है मौसम। हम जाएंगे वहां पे वो, और भैया उधर देखो वो जाएंगे, हम उधर जो फॉग के पहाड़ दिख रहे हैं मैं जाएंगे, और इनको देख के मुझे भी याद आ गया कि मैंने भी ब्लॉग नहीं करा रही है। अपना ड्राइवर साहब HRTC के चलते हैं गाइस, चलते हैं पहाड़ों में जा रहे भाई। कैसा रहा आपका सफर ऊपर का? बहुत ज्यादा स्लिपरी है ऊपर, उससे ऊपर मैं जा नहीं पाया। अगर वो होता तो मैं उससे ऊपर जा पाता, मैं तो चले जाऊंगा बड़े आराम से ऊपर तक, शूज स्लिप होंगे। चुभती गर्मी का मौसम आया, चुभती बकरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। अभी आ गए हम वापस घर जा रहे हैं, और ना हम स्विमिंग पूल जा पाए क्योंकि इनको तैरना नहीं आता है, और ना ही हम मोनेस्ट्री जा पाए क्योंकि संडे मोनेस्ट्री बंद होती है जहाँ पे हमने जाना था। तो यहीं पे करते ब्लॉग का एंड। आई होप आपको क्या बोल दिया आई होप आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे अभिषेक भाई के चैनल को। फोन करके था अभी, करते हैं आपसे बात अगले ब्लॉग में। थैंक यू।